अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज दूसरा दिन है रमज़ान का, तो आज तो मुझे भूख महसूस हो रही है। रोज़ा थोड़ा मुश्किल से गुजरा है। मैं बाहर गया हुआ था थोड़ा घूमने के लिए, लॉकडाउन में मुझे पार्क में गया हुआ था, वहाँ से अभी वापस आया हूँ, तो बाहर का मौसम निकली हुई है। तो आज मैं तैयारी करने लगा हूँ अफ्तारी की। अभी मैं बनाऊंगा आज फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट की रेसिपी आपको दिखाऊंगा कि फ्रूट चाट कैसे बनता है, हम क्या क्या फ्रूट चाट में ऐड करते हैं, तो आप भी साथ देखें। फ्रूट चाट में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने बीच ऐड करनी है फ्रूट चाट में। आप चाहें तो मज़ीद और फ्रूट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेब, ये एप्पल ये मैं यूज़ करूँगा, स्ट्रॉबेरी, ये अंगूर हैं, ये अनार, ये अवाकादो है, ये भी फ्रूट है, ये भी मैं यूज़ करता हूँ, ये केले हैं। उसके बाद ये मिक्स फ्रूट है, ये मैंने डब्बा ले आया हूँ, ये मैं बीच ऐड करता रहता हूँ। उसके बाद ये खजूरें हैं, ये डालूंगा, ये किशमिश, तो ये जामे शीरू, रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो। मैं लाइक करता हूँ इसलिए मैं ये ज़रूर भी शामिल करूंगा। और ये है जी क्रीम, ये क्रीम चाट है, अगर आप चाहें तो इसमें दही भी शामिल कर सकते हैं। दही भी मेरे पास मौजूद है ये फ्रिज में, ये मैंने रखा हुआ है दही भी, तो अगर आप चाहें तो दही ऐड कर लें, नहीं तो आप क्रीम ऐड कर लें। तो अभी मैं काटता हूँ फ्रूट को, दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम फ्रूट लेते हैं, ये धो लेते हैं इनको, इनको धो लेना है हमने अच्छी तरह से। तो भी के तीन चार पीस मैं ये लूँगा। उसके बाद अंगूर ये शामिल करूँगा, केले हमने धोने नहीं है, ये तो ऑलरेडी धोए होते हैं। तो सबसे पहले इनको धो लेते हैं, फिर इनको काटते हैं। फ्रूट को मैंने अच्छी तरह से धो लिया, अब हम इसको काटेंगे। सबसे पहले हम सेब काटेंगे, सेब मैंने छील लिया, अब सेब को मैंने काट लेना। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी। अब इसमें ये अंगूर ये हम ऐड करेंगे, आप चाहें तो इसके पीस भी कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली तकरीबन आधे इसी तरह डाल देता हूँ, उसके बाद जो बाकी हैं उनके छोटे छोटे पीस कर लेता हूँ।
अब इसमें ये अनार मैं ये काटूंगा। अनार को काटने का तरीका ये है कि आप यहाँ से इसको ऊपर से इस तरह काट लें, उसके बाद नीचे से भी उसी तरह। नीचे से काट के उसके बाद आप ये इसके हिस्से देखें, यहाँ से आपने इसको छुरी से काट लेने ये वाले हिस्से, तो आपका अनार टूटेगा नहीं। और जब आप अनार को ऐसे खोलेंगे तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा अनार। देखिए आप, कोई भी जो उसका दाना है वो टूटा नहीं है। अनार हमने डाल दिया, बाकी का अनार हम साइड पे रख देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अब इसको हमने बारीक बारीक काट लेना है। अब ये किशमिश ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हमने धो लेना। ये इसमें ऐड करूंगा, ये ऐड होगी। अब इसमें हम डालेंगे सब, ये मैंने लाया था, ये भी मैं डालूंगा इसमें। तो देख सकते हैं इसका पानी आप बाहर फेंक दे सारा। तकरीबन इतना हमने इसमें डाला, बाकी हम रखते हैं इसको। मैं कल यूज करूंगा तो मैं इसको इसके जरिए फ्रिज में रख लूंगा। अब हम इसमें डालें चाट मसाला, वो डालेंगे। चाट मसाला किधर रख दिया है मेरे दोस्त ने, ये चाट मसाला ये हम डाल देंगे। चाट मसाला डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना। इसके ऊपर हम ये डालेंगे क्रीम। क्रीम के बाद ये इसके ऊपर हम थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। तो ये फ्रूट चाट हमारा रेडी है। ये क्रीम चाट है और ये नॉर्मल चाट है। ये मैंने दही डाला है, मैं दही यूज़ करता हूँ, मुझे क्रीम अच्छी नहीं लगती। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अभी टाइम हुआ है तकरीबन 7 बजे हैं, 8:30 बजे अफ्तारी का टाइम होगा। तो मैं इस वक्त अभी फ़िलहाल कोई कंप्यूटर पे गेम वगैरह खेलता हूँ। तो बाकी का जो है खाने पीने का इंतज़ाम वो मेरा दोस्त करेगा। तो
मैं कंप्यूटर पर बैठता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल हम देखते हैं क्या बनाते हैं हम तारीख के लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।